ओके सो अब हम जो है यहाँ पे कंटेनर में जो हमारा रेड कलर का कंटेनर बन गया है, यहाँ पे हम जो है अपनी जो हमें टेक्स्ट फील दिखानी है और बटन दिखाना है जो कि आपने स्केच में देखा होगा, तो उसके तो यहाँ पे जो है हम बेसिकली वो बनाते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो ये रेड कलर हटा देते हैं। दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पर हम जो है बनाते हैं अपनी सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड। तो कंटेनर में जो बेसिकली हम लेंगे चाइल्ड। अच्छा अब यहाँ पर जो है हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा टेक्स्ट फील्ड, दूसरा होगा हमारे पास एक बटन होगा जो कि हमारे लिस्ट में आइटम्स को ऐड करेगा। ओके सो यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं। कॉलम में क्या होगा, बेसिकली कॉलम एक इस तरीके का चाइल्ड होता है जहाँ पे आप आइटम्स को ऊपर और उसके नीचे रख सकते हैं, यानी कि एक आइटम ऊपर एक आइटम नीचे, उसके 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 नीचे एक और आइटम होगी। सो बेसिकली एक तरीके से वर्टिकल अलाइन आइटम्स होंगे, जिस तरीके से एक कोड आपको दिख रहा है वैसे। ओके सो यहाँ पर हम एक कॉलम विजिट बना लेते हैं। कॉलम विजिट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप चिल्ड्रंस की एरे देते हैं। सो यहाँ पे एरे में क्या होता है कि जो सबसे पहला चाइल्ड है वो सबसे ऊपर आएगा, जो दूसरा चाइल्ड है वो नीचे आएगा, तीसरा चाइल्ड उसके नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला चाइल्ड है वो है हमारी टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड बेसिकली क्या, टेक्स्ट फील्ड की एक विजिट है। टेक्स्ट फील्ड की जो है विजिट, यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड हमें रिटर्न करके दे देती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको सिर्फ इस तरीके से बना लें टेक्स्ट फील्ड के ज़रिए, यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी टेक्स्ट फील्ड बन जाती है जो जिस पे हम जो है टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास होगी वो होगी यहाँ पे हमारे पास बटन्स। अब बटन बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, रेज बटन होता है, फ्लैट बटन है और आइकन बटन वगैरह भी है। हमें चूँकि अभी सिर्फ एक फ्लैट बटन चाहिए, या रेज बटन भी बना सकते हैं, फिलहाल हम फ्लैट बटन बनाते हैं जो कि हमारा होगा कुछ इस तरीके से। जैसे कि एक फ्लैट बटन हमारे पास एक विजिट है जो कि जिसमें दो जो है मेन चीज़ें आती है, एक ऑन प्रेस की उसको प्रेस करने पे क्या होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, और दूसरा चाइल्ड के उसके चाइल्ड में आप आइकन देना चाह रहे हैं, टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, कुछ भी देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट दे देते हैं और यहाँ पर हम उसका नाम रख देते हैं सेफ नोट, या कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग वगैरह हम बिल्कुल सभी सारी चीज़ें बाद में देखेंगे किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। तो हमारे पास यहाँ दो चीज़ें बन गई हैं, हमारे पास ये बटन बन गया है और हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड बन गई है। इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, वो किस तरीके से कि जैसे कि अब मैं चाह रहा हूँ कि बटन जो है बेसिकली यहाँ एंड पे आ जाए, इस तरफ आ जाए, और टेक्स्ट फील्ड जो है थोड़ी नीचे आ जाए ताकि वो थोड़ी दिखे। ओके तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड पर मैंने जो है कंटेनर दिया हुआ है इसको, यहाँ पर मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ ताकि वो हर तरफ से जो है सेट हो जाए बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि एक हमारे पास एरर आएगा, वो कब आएगा, जब आपका जब आप इनपुट पे क्लिक करेंगे और आपका जो है कीबोर्ड ओपन होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये हुआ मसला कि हमने मॉडल खोला, यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया, जैसे कीबोर्ड ऊपर आया तो मॉडल जो है बिल्कुल गायब हो गया। वो गायब नहीं हुआ, बेसिकली वो कीबोर्ड के पीछे छुप गया है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा। इसको फिक्स किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि सब फॉर एग्जांपल हमें आप वो इस तरीके से फिक्स होगा कि इसको जो है हमें बॉटम से पैडिंग देनी पड़ेगी। वो इस तरीके से अगर हम यहाँ से इसको पैडिंग दें, कंटेनर का एक आर्गुमेंट है पैडिंग, और यहाँ पे वो रिटर्न में लेता है एज इंसर्ट्स। एज इंसर्ट्स बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल टर्म है जो कि इसमें यूज़ होती है, और यहाँ पर आप हर तरफ से अगर पैडिंग दे देंगे तो हर तरफ से पैडिंग आ जाएगी, लेकिन चूँकि अभी हमें ऑल दे सकते हैं या सिमेट्रिक दे सकते हैं, सिमेट्रिक मतलब हॉरिजॉन्टल से अलग और वर्टिकल से अलग, और यहाँ पे सिर्फ जो है ओनली का भी ऑप्शन है कि सिर्फ आप जो है एक तरफ से पैडिंग देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है सिर्फ बॉटम से पैडिंग देना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम पैडिंग दे देते हैं बॉटम से 20 ताकि वो हमें कीबोर्ड के पीछे जो है वो जो हमारा मॉडल है वो हमें नज़र आ जाए, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ हमें भी हमें नज़र नहीं आ रहा, क्यों? यहाँ पे बेसिकली मसला ये है कि यहाँ पे मसला ये है कि हमारे पास जो कीबोर्ड है वो बेसिकली एक डिवाइस का एक फीचर है, डिवाइस का एक कंपोनेंट है जो कि कीबोर्ड की हाइट हर किसी के मोबाइल की अलग हो सकती है, या जो है एक कीबोर्ड के हिसाब से जो है वो मॉडल ऊपर होता है। यहाँ पे हमारे पास एक विजिट होती है या एक सर्विस होती है जो फ्लटर हमें प्रोवाइड करता होता है, मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी बेसिकली जो है, बहुत से लोग अगर आप CSS से भी वाकिफ़ होंगे तो आपको पता होगा कि मीडिया क्यूरी क्या चीज़ होती है, जो कि आपकी ये वेबसाइट को या आपके जो है रिस्पॉन्सिव करने के काम आती है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, तो मीडिया क्यूरी यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे हम मीडिया क्यूरी को हम यूज़ करेंगे और इसको नॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे, और कॉन्टेक्स्ट बेसिकली वो यूज़ होगा वो होगा ये वाला कॉन्टेक्स्ट, मॉडल का जो है कॉन्टेक्स्ट
यहाँ पे यूज़ होगा। ओके सो यहाँ पे हमारे पास एक इसको जो अगर हम डॉट करके करेंगे व्यू इंसर्ट्स, व्यू इंसर्ट बेसिकली आपके व्यू में जो है हमें एक इंसर्ट्स, बेसिकली मैंने आपको बताया कि एक ज्योमेट्रिकल टर्म है कि अगर व्यू इंसर्ट्स में आपको जो है कोई किसी तरह से ऊपर करना है या कुछ भी करना है तो उसको आप जो है कर सकते हैं। और यहाँ पे एक होता है बॉटम, यहाँ पे जो है आप जो है इसको बॉटम से जितनी भी इसकी स्पेसिंग आ रही है उसमें आप एडअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 10 ऐड कर देता हूँ, तो आई थिंक उसके बाद जो है अब हमारा विजिट जो हमारा शीट है वो शो अप हो जाएगी। ओके अच्छा एक और चीज़ इसमें यहाँ पे कि हमें पैडिंग जो है और भी जगह से देनी पड़ेगी, जैसे कि टॉप लेफ्ट बॉटम राइट हर जगह हर जगह से, तो यहाँ पे हम ये सारी पैडिंग दे देते हैं पहले। तो या फिर ये सबसे पहले इसको पैडिंग्स की बढ़ा के देखते हैं कि शायद फिर ये शो अप हो जाए। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ भी ये कि हमारा जो कंटेनर है बेसिकली ये शो तो हो गया है लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमारा जो कंटेनर है ये स्क्रोलेबल नहीं है ताकि ये जो है खुद ब खुद इस चीज़ से ऊपर आ सके। तो इस कंटेनर को हम बेसिकली यहाँ पे स्क्रोलेबल बनाएंगे उस तरीके से कि हमें जो है इस कंटेनर को रैप करना होगा एक नए विजेट में जो कि होगी सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू। ये विजेट बेसिकली क्या करती है कि आपकी कोई भी अगर आपकी विजेट है इसको स्क्रोलेबल बना देती है। लिस्ट तो जो है बेसिकली जो लिस्ट होती है वो तो ऑटोमेटिकली स्क्रोलेबल होती है लेकिन जो कंटेनर होता है वो स्क्रोलेबल नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है अगर कभी ऐसी इस तरीके की सिचुएशन आ जाए। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अब जो है हमारी विजिट जो है बेसिकली शो हो रही है या नहीं हो रही। ओके सो अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगर हम कंटेनर की हाइट हटा दें तो आई थिंक उसके बाद ये शो हो जाएगा। सो उसको जो है थोड़ा हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं और अब इसको चेकअप चेक करते हैं कि किस तरीके से ये शो हो रहा है। ओके सो आप देख सकते हैं कि ये जो है अब शो जो है हो गया। अब ये बेसिकली किस तरीके से चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली हो ही रहा है इसमें यहाँ पे कि कंटेनर जो है बेसिकली यहाँ पे जैसे ही वो ओपन होता है तो अभी देख रहे हैं कंटेनर जो है ये स्क्रोलेबल है, मतलब ये अपने हिसाब से जो है हाइट ले रहा है कंटेंट के हिसाब से। और मीडिया क्वेरी का जो हमने बॉटम से पैडिंग दी वो थोड़ी पैडिंग यानी कि कीबोर्ड से थोड़ी जो है ऊपर हो गई है जितनी भी हमने इसको पैडिंग दी है। ओके सो यहाँ पे अब जो है थोड़ी और जो है यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं टॉप लेफ्ट राइट हर जगह से। यहाँ पर टॉप से भी हम 10 दे देते हैं, लेफ्ट से भी 10 दे देते हैं और राइट से भी 10 दे देते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। ओके सो पैडिंग से बेसिकली हुआ ये कि साइड से जो चिपक रहा था वो थोड़ा जो है आगे आ गया, इसको हम थोड़ा और पैडिंग इसकी अगर बढ़ा दें तो ये आपको ये चीज़ जो है वाजे हो जाएगी। इसकी स्टाइलिंग वगैरह टेक्स्ट फील्ड की हम बिल्कुल बाद में इसको ज़रूर करेंगे कि स्टाइलिंग जो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके सो ये चीज़ जो है स्टाइल हो गई है। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले ये कर लेते हैं कि हमारा जो ये बटन है इसको हम जो है राइट हैंड साइड पे ले आते हैं ताकि ये थोड़ा सही लगने लगे, बीच में कुछ अच्छा नहीं लगे। यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम में बेसिकली जो है होती है अलाइनमेंट होती है एक क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस। कॉलम की जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है वो होती है जैसे कि कॉलम जो है वर्टिकल होता है तो उसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वर्टिकली काम करती है कि अगर टॉप से इसको टॉप रखना हो तो आप सारी आइटम्स टॉप पे चली जाती हैं, स्पेस बिटवीन करेंगे तो सारी आइटम के जो बीच में है स्पेसिंग आ जाती है। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इस तरीके से काम करती हैं कि क्रॉस में जो है इसमें अलाइनमेंट देती हैं। तो हमें चूँकि क्रॉस में काम करना है हमें इस बटन को यहाँ लाना है जो कि क्रॉस में होगा, तो यहाँ पे एक होता है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट एक क्लास लेता है जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम यहाँ पे कर देंगे एंड। इसको अगर हम एंड पे कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ये बटन है ये एंड पे आ जाएगा। अब इसका बेसिकली जो कॉलम के जितने भी चाइल्ड होंगे वो सारे एंड पे आ जाएंगे। अब कॉलम के आप बोल रहे हैं कि जैसे कि दो चाइल्ड हैं तो टेक्स्ट फील्ड कोने भी क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि टेक्स्ट फील्ड जो है अपनी जगह ले चुकी है जितनी इसको चाहिए, वो अपनी जगह ले चुकी है और बटन जो है बेसिकली जितना उसका टेक्स्ट होता है उसके हिसाब से वो बटन जो है अपनी जगह लेता है और उसकी वजह से जो है वो इफेक्ट आपको बटन पर नज़र आया टेक्स्ट फील्ड पर नज़र नहीं आया। ओके और हाँ टेक्स्ट फील्ड में जो है बेसिकली एक मेन जो आप कह सकते हैं कि
एट्रीब्यूट होता है वो होता है कंट्रोलर के। टेक्स्ट फील्ड में हम जो वैल्यू लिखेंगे वो कौन कंट्रोल करेगा, वो हमें कहाँ से मिलेगी। सो वो बेसिकली हमें मिलेगी यहाँ पे एक होता है कंट्रोलर का एट्रीब्यूट जो कि लेता है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की एक क्लास जो कि यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। तो वो जो है हम क्लास को यहाँ वो ऊपर जो है हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हमारा होगा फाइनल टाइटल या कोई भी आप नाम सकते हैं टाइटल कंट्रोलर। और यहाँ पे इस क्लास को जो है कॉल कर सकते हैं। फाइनल कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, फाइनल कीवर्ड होता यह है कि इसकी जो बेसिकली आपकी इस चीज़ को बताता है कि आपकी जो वैल्यू है फाइनल है ये जो है चेंज नहीं होगी। आप कह रहे हैं भाई वैल्यू तो चेंज होगी, तो वैल्यू से मुराद है कि वो इनपुट की वैल्यू चेंज होगी लेकिन इसकी जो अपनी खुद की वैल्यू है जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की क्लास ही हमेशा रहेगी वो चेंज नहीं होगी। ओके सो इस टाइटल कंट्रोलर को हम जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज एन अपना कंट्रोलर। जो भी हमारी जो टेक्स्ट होगा वो हमें जो है किस तरीके से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही हम फ्लैट बटन पर क्लिक करेंगे हमें जो है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी, वो चीज़ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब जैसे अगर टाइटल कंट्रोलर है तो टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट में जो है हमें उसकी वैल्यू मिल रही होगी जो भी हम टाइप करेंगे, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। ओके सो आई थिंक इसको जो है फाइनल नहीं कॉन्स्ट करना होगा। ओके सो यहाँ पे एक एरर है कि कांस्टेंट ऑपरेशन एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड ट्राई इंसर्टिंग कांस्टेंट टू दी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ओके सो इसमें बेसिकली आई थिंक मसला ये है कि ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइनल हम इसको नहीं कर सकते। सो हम इसको ये कर लेते हैं कि इसको हम स्ट्रिंग रख लेते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू ही आएगी। ओके सो यहाँ पे जो है मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ कि जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो किस तरीके से यहाँ पे हमें जो है शो अप हो जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ जैसे कि हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है डिबग कंसोल में हेलो वर्ल्ड जो भी हमने टाइप किया वो हमारे पास आ गया। यहाँ पे जो है एक चीज़ हमने देख ली है किस तरीके से हम यूज़र से वैल्यू गेट कर सकते हैं और किस तरीके से इसको जो है फंक्शन के ज़रिए हम अब उस वैल्यूज़ को जो है गेट कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं। ओके सो अब हम जो है करेंगे ये कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अपनी देखेंगे कि हमारी जो नोट्स होंगी जो होंगी उसका जो है मॉडल बनाएंगे, उसको देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है इसमें इसको मॉडलिंग कर सकते हैं अपनी डाटा की सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है फिर हम जो है अपना एक सबसे पहले जो है लिस्ट में एक टू डू ऐड करवाएंगे।